हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो अपने आप एक यूनिक है दोस्तों, और उसके कुछ वर्टिकल्स में काम करते हैं दोस्तों। आप जैसे स्क्रीन देख सकते हो, इनका बहुत बड़ा प्लांट है दोस्तों, और इनकी जो मेन बिजनेस है वो एडिबल ऑयल में होता है। दूसरा वर्टिकल्स इनका रियल इस्टेट में होता है, और जो तीसरा है ये इथेनॉल कंपनी का, जो इथेनॉल इंडस्ट्री का डिस्टिलरी यूनिट इन्होंने सेटअप किया है। तो दोस्तों, ये कंपनी अपने आप में यूनिक है, उनके प्रोडक्ट भी यूनिक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है BSL इंडस्ट्री लिमिटेड। तो BSL का जो अगर आप रिटर्न देखोगे दोस्तों, और इनका टारगेट प्राइस काफ़ी ऊपर है। अगर हम पहले से इस कंपनी की रिटर्न की बात करते हैं तो अगर एक महीने में देखते हैं दोस्तों, तो इसने 33% की रिटर्न दिया, 6 महीने में लगभग 77% की रिटर्न, 1 साल में 400% की रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है, और 5 साल में 795% ने 8 गुना से भी ज़्यादा आपके पैसे कर दिए दोस्तों। अभी एक महीने में ये 7 जून की इसकी प्राइस 328 रुपये थी, और अभी ये भाग कर 486 हो गई। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये BSL इंडस्ट्री लिमिटेड, ये मित्तल ग्रुप की कंपनी है। और दोस्तों, ये अभी जो रिसेंट में इसने जंप मारा है, ये इसलिए क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इथेनॉल इंडस्ट्री को सेटअप करने का, प्लांट सेटअप करने की परमिशन मिल गई, जिसके कारण अभी इस कंपनी को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी के पैरामीटर की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये कई 1000 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है। इसका जो स्टॉक का जो पी है 16 का, जो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है, तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ने की काफ़ी क्षमता है। ROC और RO फैक्टर 17 का, जो कि बहुत अच्छा है, और फेस वैल्यू 10 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की थोड़ा और वर्टिकल्स की बात करते हैं तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है एडिबल ऑयल, बासमती राइस, वनस्पति घी, ये सब बनाती है कंपनी। तो इसका जो मेन रेवेन्यू है वो एडिबल ऑयल से आता है, और उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा था इथेनॉल कंपनी का जो डिस्टिलरी करती है वो सेटअप है दोस्तों। तो अभी ये कंपनी का जो इथेनॉल का जो डिस्टिलरी सेटअप किया गया है दोस्तों, इसके कारण इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इसको आगे बढ़ने की क्षमता काफ़ी, इस कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। EPS भी 26 रुपये का, जो कि बहुत अच्छा है। अर्निंग पर शेयर दोस्तों, इस कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए दोस्तों, ये कंपनी पहले 18 थी, 22 करोड़ हुआ, फिर 26, 37 करोड़, फिर 47, 74, 82 और 102 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसका जो बोरोविंग्स है पहले 180 करोड़ था, फिर घट के अभी 160 करोड़ हो गया, और जो रिजर्व है कंपनी का साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी पिछले 10 साल में 32% की रिटर्न दी है, हर साल 32% रिटर्न दी, और अभी पिछले 5 साल तक काफ़ी तगड़ा CAGR दिया, जो कि 55% है दोस्तों। और इस कंपनी की बात है, इसका जो CAGR है 50% के हिसाब से बढ़ा है दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट, तो बहुत अच्छा है। और उसी प्रकार अगर हम इसमें इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर के पास 61% की हिस्सेदारी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का हिस्सेदारी 1.22%, जो कि बहुत अच्छा है, और पब्लिक की होल्डिंग 37% है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कंपनी जो ओवरऑल अगर इस कंपनी का जो पैरामीटर देखते हैं तो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है, तो ये बताता है कि कंपनी आगे बढ़ने का काफ़ी पोटेंशियल है। और इस कंपनी का जो पी है वो अगर पीयर से कंपेयर करते हैं तो दोस्तों, उसके पीयर से भी बहुत काफ़ी कम है दोस्तों। इस कंपनी को जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका पी फैक्टर और ये काफ़ी शानदार है, तो आगे बढ़ने की काफ़ी क्षमता है। इसका डेबिट टू इक्विटी रेशो 0.73 है, जो कि 0.49 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि एक से कम है, तो काफ़ी शानदार है। और इसकी प्लेज प्रमोट होल्डिंग 0 है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो दोस्तों, BCL इंडस्ट्री को आप कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस कंपनी के जो टारगेट की बात करते हैं, अभी मुझे लगता है ये कंपनी अभी जिस प्राइस में है, ये अपने जो ओवरऑल हाई है उसको टच करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। टच यानी अभी मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर, या फिर हो सकता है उससे कम में 2 से 3 महीने के अंदर भी ये 600 से 650 का टारगेट आपको दिखा सकता है दोस्तों। दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड आज जो एक न्यूज़ आई थी वो थी, अगर इसका ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो इक्विटी 99 ने, जो ब्रोकरेज फर्म है, जो आज की बात है सुबह इसका टारगेट 960 दिया है। करंट प्राइस वैल्यू अगर देखा जाए तो है 9, करंट प्राइस की बात करें तो 442 है, जो कि अपने टारगेट प्राइस से काफ़ी नीचे है।
तो दोस्तों लगभग 100% का इसमें टारगेट दिया गया है, परंतु इसका जो टाइम हॉरिजन है वो 1 ईयर का रखा गया है। 1 ईयर तक ये आपको 900 से 1000 रुपये के बीच में प्राइस दिखा सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये प्राइस 600 से 650 के बीच में आपको दिखा सकता है। तो अगर आप इसे लेकर होल्ड करते हैं, नहीं तो भी 6 से 8 महीना, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के जाएगा। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। दोस्तों इस टाइप के शेयर जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, और अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर पिंग कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।